Hello student, today in this video I'm teaching you entrepreneurship for class 12 and this is your chapter resource mobilization. In this chapter I already covered many topics in my previous video. Now in this video it is very much important topic, that is function of stock exchange. So I explained about stock exchange also. Let me quick revise for you. So a stock exchange means anybody of individuals, whether incorporated or not, constituted for the purpose of assisting, regulating or controlling the business of buying and selling or dealing in securities. तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट है जिसमें कोई इंडिविजुअल या हम कह सकते हैं इनकॉर्पोरेट कोई भी कंपनी अपने फंड को रेज करने के लिए शेयर्स या सिक्योरिटीज़ को बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है, ठीक है। और इसको रेगुलेट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए SEBI होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, विच हेल्प्स टू लुक आउट द फंक्शनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ओके, सो फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आई ऑलरेडी टॉट, नाउ फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सो स्टॉक एक्सचेंज आर नॉट मेयरली द चीफ थ्रेटर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, दे आर ऑल्सो बैरोमीटर्स विच इंडिकेट द जनरल कंडीशंस ऑफ द एटमोसफियर ऑफ बिजनेस। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है इसमें हम सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन ही नहीं देखते बल्कि ये एक ऐसा बैरोमीटर है विच इंडिकेट, जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि बिजनेस का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ की जो जनरल कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, ठीक है। सो स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ फंक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मार्केटेबिलिटी of different types of securities for investors and borrowing companies. तो stock exchange ऐसा एक function है जिसमें perform किया जाता है, securities को buying and selling किया जाता है, ठीक है। इसमें investors और जो borrowing companies होती हैं दोनों ही easily purchasing and selling of securities कर सकते हैं, ठीक है। Now it is important functions are, there are some important functions we will discuss in this video. So first of all, continuous and ready market for securities. तो stock exchange एक ऐसा market है जहाँ पर companies अपने fund को raise करने के लिए securities को sell करती है। तो वो कहाँ पर sell करती है? Stock exchange के अंदर। Like any of the commodity, any of the product, consumer purchase from the market. तो simple सा market होता है, उस मार्केट से हम अपने गुड्स को खरीद सकते हैं। बट अगर हम सिक्योरिटीज़ की बात करें, अपने फ़ंड को रेस करना है किसी कंपनी ने, तो उस कंडीशन में अपने फ़ंड को रेस करने के लिए वो स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प लेती है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक, हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटीज़ के सेलिंग और परचेजिंग करने का एक ओपन मार्केट होता है। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ सेंट्रल मार्केट फॉर परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज़। तो एक सेंट्रल मार्केट है जहाँ पे हम सिक्योरिटीज़ को परचेस और सेल कर सकते हैं। परचेस करेगी कंपनी और परचेस करेंगे इन्वेस्टर्स और सेल करेगी कंपनी। इट प्रोवाइड्स रेडी एंड कंटिन्यूस आउटलेट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। बायर्स एंड सेलर्स स्ट्रांगली बिलीव दैट दे वुड बी एबल टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज़ एज एंड व्हेन दे वांट। तो ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे स्ट्रांगली बिलीव किया जाता है कि बायर्स और सेलर्स इजीली सिक्योरिटीज़ को खरीद और बेच सकते हैं जब वो चाहे। तो दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन, कंटिन्यूस एंड रेडी मार्केट फॉर सिक्योरिटीज़। सेकेंड, फैसिलिटेट्स इवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़। सो स्टॉक एक्सचेंज इज़ यूजफुल फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़। ये एक बहुत ही यूज़फुल मीन है जिसकी हेल्प से हम अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इट पब्लिश प्राइस कोटेशंस ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनीज दैट हैव बीन लिस्टेड
with them after through analysis of demands and supply position. तो जैसे कि किसी कॉमोडिटी का जो प्राइस होता है वो डिपेंड करता है उसके डिमांड पर, ठीक है, मार्केट की कंडीशन पर, ट्रेंड पर. तो सेम एज सिक्योरिटीज ऑल्सो एज पर द डिमांड्स और जो प्राइस फिक्स किए जाते हैं वही प्राइस में सिक्योरिटीज सेल की जाती है. दिस एनेबल्स इन्वेस्टर्स टू नो द ट्रू वर्थ ऑफ देयर होल्डिंग्स एट एनी टाइम. तो यहाँ पे ये बहुत इजी और इट्स अ फैसिलिटी फॉर द इन्वेस्टर ऑल्सो टू बाय द सिक्योरिटीज एट द राइट प्राइस एट एनी टाइम. ओके, देन थर्ड फंक्शन, चेक ऑन ब्रोकर्स. सो स्टॉक एक्सचेंज का और क्या फंक्शन होता है कि इट कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ ब्रोकर्स एंड प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स फ्रॉम बीइंग डिसीव्ड. ओके, तो स्टॉक एक्सचेंज जो ब्रोकर्स होते हैं, जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं, उनके वर्क को चेकआउट करती है कि जो इन्वेस्टर्स को धोखा ना दे सके. नाउ इफ एनी ब्रोकर्स इज फाउंड इंक्लूडिंग इन माल प्रैक्टिसेस और ओवरचार्जिंग और गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, हिज और हर लाइसेंस मे बी कैंसल्ड. तो जो ब्रोकर्स होते हैं, जो अंडरराइटर्स होते हैं या इंटरमीडिएटरीज हम इनको कह सकते हैं, तो अगर ये कोई भी ब्रोकर फाइंड होता है कि फ्रॉड करता हुआ, माल प्रैक्टिसेस तरीके से मनी अर्न करता हुआ, तो ऐसे पर्टिकुलर ब्रोकर के लाइसेंस को स्टॉक एक्सचेंज रद्द कर देती है. नेक्स्ट फोर्थ फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन डीलिंग्स. So activities of the stock exchange are controlled by the provisions of Securities Control Act. ठीक है, एक एक्ट बना है सिक्योरिटी एक्सचेंज, सिक्योरिटी कंट्रोल एक्ट. इस एक्ट के तहत स्टॉक एक्सचेंज की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जाता है. ऑल दिस क्रिएट्स कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ इन्वेस्टर. ठीक है, ये सब अगर किया जाएगा तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो काफ़ी रिलैक्स्ड होते हैं, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज इज़ वन ऑफ द वेरी एसेंशियल पार्ट, वेरी एसेंशियल एलिमेंट वी कैन से, विच मेक्स अ वेरी यूजफुल स्टेप्स इन स्टॉक एक्सचेंज. बहुत बढ़िया स्टेप लेती है, तो इन्वेस्टर्स को वो फ्रीली अपने पैसे को कंपनीज के लिए लगाते हैं. एज ट्रांजेक्शंस आर कंडक्ट as per well defined rules and regulation, fraudulent practice stands checked effectively, ensuring safety, security, justice and dealing. तो स्टॉक एक्सचेंज के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो रूल एंड रेगुलेशंस के साथ होते हैं, उसमें कोई भी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस नहीं होती, वो टाइम टू टाइम चेक होते रहते हैं. ठीक है, जिससे कि सेफ्टी, सिक्योरिटी और जस्टिस उसमें होता है. ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, रेगुलेट्स कंपनी मैनेजमेंट. सो लिस्टेड कंपनीज हैव टू कंपाइल विद रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज एंड वर्क अंडर द वेलिजेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज. तो स्टॉक एक्सचेंज का मेन फंक्शन है कि ये रूल एंड रेगुलेशंस बनाती हैं कंपनीज के लिए. ठीक है, एंड स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी इज वन ऑफ द वेरी एसेंशियल playing their role for the betterment of the investors, for the betterment of the companies. Then next, intensifying capital formation. Stock exchange accelerates the process of capital formation to creating the habit of saving, investing and risk taking among the investing class by converting their savings into profitable safe investment. So jo stock exchange hoti hai ye ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम अपने सेविंग को बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, रिस्क हम ले सकते हैं इन्वेस्ट करके. ठीक है, और प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट है हम कह सकते हैं, अगर स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से हम अपने फंड को रेज करना चाहते हैं. देन नेक्स्ट, फैसिलिट रेजिंग ऑफ न्यू कैपिटल. सो बिकॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज for either development, organization or expansion, the need for more capital by the existing companies is easily met out. तो जो new companies होती हैं वो भी अपने fund को raise करने के लिए capital market की help से, stock exchange की help से अपने fund को raise कर सकती है, develop कर सकती है, expansion कर सकती है, बढ़ा सकती है अपने को.
ठीक है, और अगर नीड मोर कैपिटल रिक्वायरमेंट देन इट इज़ द इजी वे टू गेट द फाइनेंस थ्रू स्टॉक एक्सचेंज. नेक्स्ट, फैसिलेट पब्लिक बोरोइंग. सो स्टॉक एक्सचेंज सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर मेकिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. इट एनेबल्स गवर्नमेंट टू रेज पब्लिक डेप्ट इजिली एंड क्विकली. तो ये एक टाइप से ऐसी एक्सचेंज है जिस जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट के तहत चलती हैं, और यहाँ पे हम इजिली पब्लिक से डेप्ट को रेज कर सकते हैं और क्विकली उनको हम फंड भी करते हैं. नेक्स्ट, फैसिलेट हेल्दी स्पेक्यूलेशन. सो हेल्दी स्पेक्यूलेशन कीप्स द एक्सचेंज एक्टिव. नॉर्मली स्पेक्यूलेशन इज नॉट डेंजरस बट प्रोवाइड मोर बिजनेस टू द एक्सचेंज. हाउएवर एक्सेसिव स्पेक्यूलेशन इज अनडिजायरेबल एज इट इज डेंजरस टू द इन्वेस्टर्स द ग्रोथ ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर. तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज का वर्क होता है ही लुकआउट ईच एंड एवरी एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एज वेल एज द इन्वेस्टर्स. ओके, नेक्स्ट, सर्व्स एज इकोनॉमिक बैरोमीटर. तो स्टॉक एक्सचेंज इंडिकेट द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ कंपनीज एंड द नेशनल इकोनॉमी. ये किसी भी कंपनी के हेल्थ को बताता है, या हम कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताता है. अगर आपके इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं दैट्स मीन पीपल हैव सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी. सो इट एक्ट्स एज अ बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन कंडीशन एंड इज दस रेफर्ड एज पर्ल्स ऑफ इकोनॉमी और इकोनॉमिक मिरर. तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक मिरर ये होता है. अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो दैट्स मीन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री इज गुड. देन लास्ट, फैसिलेट्स बैंक लेंडिंग. सो बैंक्स इजिली नाउ द प्राइस ऑफ कोटा सिक्योरिटीज. दे ऑफर लोन टू कस्टमर्स अगेंस्ट कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज. दिस गिव्स कन्वीनियंस टू द ओनर्स ऑफ सिक्योरिटीज. तो ये बैंक की हेल्प से हम अपने जो रेगुलर कस्टमर्स हैं उनके थ्रू भी सिक्योरिटीज रेज करवा सकते हैं, विच इज़ द ईजी एंड कन्वीनियंस वे टू द ओनर्स ऑफ द सिक्योरिटीज. ठीक है, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज की क्या इंपॉर्टेंस है? सो स्टॉक एक्सचेंज इंडिकेट्स अबाउट द गुड और बैड हेल्थ ऑफ अ इकोनॉमी. किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की कंडीशन को वो बताते हैं कि उसका इकोनॉमिक कंडीशन अभी अच्छा है या बैड है. इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएटरी विच फैसिलेट इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. ये कंट्री के इकोनॉमिकल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के एक इंटरमीडिएटरीज की तरह काम करता है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं. For the smooth and orderly functioning of corporate sector is a free market economy. Stock exchange are indispensable because of the different role played by them for different groups. तो जो stock exchange है वो differ तरीके से help provide करती है, smooth functioning करवाती है. ठीक है, so first of all it is divided into three part, the importance of stock exchange. One is इन द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर. तो सबसे पहले हम एज ए इन्वेस्टर देखते हैं, फिर हम बात करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनीज, फिर हम कंपनीज के व्यू पॉइंट से देखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज के लिए कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. देन नेक्स्ट, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के लिए जो स्टॉक एक्सचेंज है हाउ इट मेक्स अ क्यूरिकल रोल फॉर देम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर्स, तो सबसे पहले हम इन्वेस्टर्स की बात करते हैं. ठीक है, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, सिक्योरिटीज को खरीदते हैं, एंड आफ्टर व्हेन द कंपनी गेट द प्रॉफिट दे गेट्स डिविडेंड और इंटरेस्ट एज पर द सिक्योरिटी अमाउंट बेसिस. सो डायमेंशंस ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन, तो सबसे पहले जो स्टॉक एक्सचेंज है उनको इन्वेस्टर्स को क्या मिलती है? यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है, रेडी मार्केट मिलता है, इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड. जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट रखता है. जेन्युइन गाइडलाइंस अबाउट द सिक्योरिटीज लिस्टेड, जो भी सिक्योरिटीज होती हैं उनके बारे में गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है. बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस रिमूव्ड. ओके,
और जो काफ़ी डिस्टेंस होता है कि स्टॉक एक्सचेंज कहीं दूर है और आप उस कंपनी में किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो आपका डायरेक्ट उससे कॉन्टैक्ट नहीं है, बट इनडायरेक्टली यू हैव कॉन्टैक्ट. तो ये जो डिस्टेंस का जो प्रॉब्लम है इसको रिमूव करती है स्टॉक एक्सचेंज फॉर द इन्वेस्टर्स. नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट. जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है इन्वेस्टर्स ने, उसके प्रॉफिट और लॉस के बारे में स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स को बताती है. ओके, सो ऑल दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टर्स, हाउ द इन्वेस्टर गेट इम्पॉर्टेंस थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज. नाउ नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फॉर द कंपनीज. तो कंपनी के लिए क्या बेटरमेंट करती है स्टॉक एक्सचेंज? फर्स्ट, रिकॉग्नाइजेशन करती है. ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज लोगों तक उस कंपनी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, वाइड मार्केट प्रोवाइड करती है कंपनीज को, हायर शेयर वैल्यू, जो भी शेयर्स वो इशू कर रहे हैं उसकी हाई वैल्यू को बढ़ाती है मार्केट. ठीक है, नाउ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोसाइटीज, सोसाइटीज के लिए स्टॉक एक्सचेंज कैसे हेल्प करती है? फर्स्ट, रैपिड कैपिटल फॉर्मेशन. आपको जो सोसाइटी है, आप इजीली अपने कैपिटल को फॉर्म कर सकते हैं बाय परचेजिंग द सिक्योरिटीज ऑफ एनी गुड कंपनी, एनी रेप्यूटेड कंपनी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज. नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करती है. ठीक है, मान लीजिए आप 50,000 कमा रहे हैं, आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया और कंपनी ने अच्छा अर्न किया, आपको इंटरेस्ट के रूप में या डिविडेंड के रूप में पैसा मिल रहा है, तो दैट्स मीन यू आर इम्प्रूविंग योर इकोनॉमिक कंडीशन. ओके, थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज. लास्ट, नेशनल प्रोजेक्ट. सो सोसाइटी की हेल्प से नेशनल प्रोजेक्ट भी स्टॉक एक्सचेंज बढ़ाती है. सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडे इन डिटेल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.